वाराणसी में आयोजित आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन के दौरान स्कूली बच्चों ने अपने कौशल और हुनर का शानदार प्रदर्शन करते हुए बदलते भारत की झलक पेश की। प्रदर्शनी में बच्चों ने इसरो की सफलता को प्रदर्शित करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया। बदलते भारत की तस्वीर पेश की जा रही है, वो भी वाराणसी के एक स्कूल में, और मौका है आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन का। इस प्रदर्शनी में जिन बच्चों ने भाग लिया वे सब आठवीं से लेकर पहली कक्षा के छात्र छात्राएं हैं। इस प्रदर्शनी में बच्चों ने जहां अपनी टीम वर्क का परिचय देते हुए विभिन्न विषयों पर आधारित मॉडल बनाए, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनी में आने वाले लोगों को अपने मॉडल के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। इस प्रदर्शनी में इसराइल हमास संघर्ष की विभीषिका हो, या पर्यावरण का विश्व पर प्रभाव हो, या फिर विश्व के साथ आश्चर्य, देश की तरक्की में इसरो का योगदान हो, या फिर इतिहास, भूगोल, हिंदी और प्रत्येक विषय से संबंधित जानकारी इस प्रदर्शनी में मौजूद है। मुख्य अतिथि के तौर पर आए शहर के बिशप फादर यूसी ने कहा कि जहां बच्चे अपनी पढ़ाई से संबंधित जानकारी को प्रदर्शित कर रहे हैं, वहीं विश्व में शांति और पर्यावरण की भी बात कर रहे हैं। ये देखने को मिला है बच्चों में क्रियात्मक कार्य करने का क्षमता बहुत खूब है, और यही मुख्य अंग है शिक्षा का। जब बच्चा अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके एक्शन में उतारता है, वहीं पर उसका सही चैलेंज सामने आता है, वहीं पर वो सक्सेस और फेलियर को सामना करने के लिए एक एटीट्यूड डेवलप करता है। छोटे छोटे बच्चे जहां एक ओर इसराइल और हमास संघर्ष पर चिंता जता रहे हैं, वहीं दुनिया के साथ आश्चर्य भी दिखा रहे हैं, इसरो की तरक्की पेश कर रहे हैं, तो वहीं भारत में विविधता में एकता का भी परिचय दे रहे हैं। कहीं भूगोल के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो कहीं हिंदी साहित्य का भी प्रचार प्रसार हो रहा है। Israel and Palestine war. The entire world has parted into two groups, Israel versus Philistine. On 7 October 2023 was a significant day for the people of Israel, who belongs to Judaism religion. On this day, the Jewish people come together and read their holy text. It was on that day an organization named Hamas launched 5,000 rockets on Israel. I am going to tell Petra Jordan. It is the lost city. It is known as the lost city. It is established in 312 BC. It is one making oldest cities in the world. Jammu and Kashmir, the paradise of India. It is famous for jaw-dropping Himalayan ranges, beautiful lakes, old monuments, saffron, almonds, apples and handicraft items, etc. I will tell you about cultural diversity. India is a land of rich and diverse cultures. We intend to go around and represent our culture and unity despite being different among each other. तो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग ने बहुत सा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिखाया है, एक सिटी का शोपीस दिखाया है, और अफ्रीका का फिजिकल मैप दिखाया है, और अंटार्कटिका, ऐसी चीज़ें दिखाई हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय भारत की जो तरक्की हुई है आदित्य L1 और चंद्रयान 3 को लेके, और हम लोग साइंस में बहुत आगे जा रहे हैं, तो उसको ही जो है रजिस्टर करते हुए हम लोगों ने ये रॉकेट का मॉडल बनाया है अपने साइंस एग्जीबिशन में। इस तरह की प्रदर्शनी से बच्चों को वास्तविक ज्ञान सीखने का मौका मिलता है, और यही नई शिक्षा नीति की व्यवस्था भी है। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, DD News वाराणसी।